श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। मंगलवार का दिन 19 सितंबर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि वैधृति योग स्वाति नक्षत्र 1:48 तक राहु स्वामी होगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति स्वामी होगा। आज गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार है। आज स्वाति नक्षत्र का राहु और विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है। आज आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, मंगल और शुक्र की दृष्टि है। आज गणेश चतुर्थी के दिन आपकी कुंडली में बनने वाला अद्भुत संयोग आपके जीवन में बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप धनवान बन सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, शक्ति से शत्रु को पराजित करने का सामर्थ्य होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी और सभी प्रकार के सुखों का आप भोग करेंगे। आज स्वाति नक्षत्र का राहु और विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति आपकी कुंडली में एक साथ गोचर कर रहा है। राहु जब बृहस्पति के साथ गोचर करता है तो अचानक आपके जीवन में कुछ शुभ काम हो जाते हैं। आज चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है। शनि की तृतीया दृष्टि है जबकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है। ऐसे में परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। स्वाभिमान से जीवन में सुख पाने की क्षमता आप में होगी, शुभ फल आप पाएंगे और आपकी जीवन में धन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से हर संकट को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए प्रभावशाली दिन होगा, क्योंकि एक ओर मंगल और शुक्र की दृष्टि है, वहीं दूसरी तरफ राहु और बृहस्पति का प्रभाव है। आज आप बुरे काम करने से बचें, ज्ञान और चतुराई से काम करें, अच्छा धन लाभ भी अर्जित कर लेंगे, बड़ी सफलता बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो जाएगी, शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और जीवन से चिंता दूर भी होगी। आपकी बाधा समाप्त होंगे, समस्या समाप्त होगा और स्टूडेंट के जीवन में विशेष लाभ आरंभ होने वाला है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का प्रभाव है। वहीं दूसरी तरफ मंगल के साथ सूर्य की युक्ति है, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, धन बल से आप युक्त होंगे, शानदार जीवन स्वाभिमान के साथ पराक्रम और सुख को भोगने वाला परम महत्वाकांक्षी चक्रवर्ती तेजस्वी भाग्यशाली धनवान बनने का अवसर प्राप्त होगा। मान सम्मान भी आपके बढ़ेंगे। ये जो समय है आपके जीवन में परिवर्तन लाभ कमाने का समय है, अपने जीवन में श्रेष्ठ काम करके श्रेष्ठ फल पाने का समय है। जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएगी, कार्य की सफलता से जीवन का सुख प्राप्त होगा, जीवन की दिशा बदलने वाला है, सामर्थ्य बढ़ने वाला है, सिद्ध फल की प्राप्ति होने वाली है, शुभ काम की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि चंद्रमा जब बृहस्पति पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है तब आपकी कुंडली का लग्न पंचम भाग्य स्थान कर्म स्थान के साथ है, सुख स्थान भी प्रभावित हो जाता है, जो बेहतर जीवन की शुरुआत आपके लिए करता है। मंगल के प्रभाव से आप साहसी होते हैं, सूर्य आपकी क्षमता को बढ़ाता है, जबकि राहु से अचानक कार्य संपन्न होते हैं, बृहस्पति जीवन में सुप्ता लेकर आता है, चंद्रमा तो भाग्यशाली बनाता है, वहीं आपकी कुंडली में बुध से नौकरी व्यापार अच्छा चलता है और शुक्र से जीवन का सुख मिलता है,
केतु आपकी इच्छा महत्वाकांक्षा को जागृत करता है, तो आपकी कुंडली में ऐसा योग है जो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, जीवन से अनिष्ट प्रभाव को दूर करेगा, शुभ फल की प्राप्ति का सामर्थ्य, सुख का भोग करना, बड़ी उपलब्धि हासिल करना और सही दिशा में जीवन को आगे बढ़ाना सब कुछ आज संभव है, सब कुछ आपकी जीवन में हो सकता है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर होने से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, नित्य नए अवसर से सफलता आप जरूर हासिल करेंगे। शनि आपके जीवन में नौकरी व्यापार में आने वाली परेशानी को दूर करेगा, स्थिति की बाधाओं को दूर करेगा, खूब तरक्की होती है, उन्नति होती है जब शनि आपकी कुंडली में शुभ होता है। वही मंगल का सामर्थ्य आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आता है और शुक्र से जीवन का सुख है आप प्राप्त करते हैं। इच्छा प्रबल होती है और इच्छा पूर्ण भी होती है। आज का दिन बेहतर दिन है क्योंकि राहु और बृहस्पति का प्रभाव है। आज राहु काल 3:18 से 4:50 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, लक्की नंबर 5 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:34 सुबह का समय आपके लिए शुभ रहेगा, यहीं से दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और रवि योग 6:08 से 1:48 का समय, जब तक राहु स्वाति नक्षत्र में होगा आपकी जीवन की अनिष्टता दूर होते रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त 11:50 से आपके लिए लाभ के अवसर आरंभ हो जाएंगे। विजय मुहूर्त 2:17, अमृतकाल 1:48 के बाद विशाखा नक्षत्र में आपके लिए सब कुछ शुभ और सौभाग्य लेकर आएगा। तो स्थिति आपकी बदलेगी, परिस्थिति जीवन की बदलेगी, लाभ धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगा, आप भाग्यशाली होंगे, धन ऐश्वर्य सफलता देने वाला राहु बृहस्पति का प्रभाव आपकी जीवन की कठिनाइयों को पार करके सफलता पाने का अवसर लेकर आया है। अपनी शक्ति अपनी क्षमता को पहचाने, मेहनत से काम करें तो भाग्यशाली भी होंगे, सौभाग्यशाली भी होंगे। आपके लिए सफलता लाभ सौभाग्य का अवसर भी प्राप्त होगा, किस्मत भी आपकी चमकेगी, भाग्य भी आपका बदलेगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, गणेश जी की पूजा करें, अक्षत हल्दी दुर्भा के साथ गणपति का पूजा करें, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा, लाभ धन का योग बनेगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।